वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू अन अकेडमी. दिस इज सुरभी योर एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास एंड इन दिस मेगा मैराथन सेशन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. एंड बिफोर स्टार्टिंग एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे. Let me confirm once whether I am audible and visible or not. Yes, so हमारी session जो है live जा चुकी है. So a very warm good morning to all. And आज की session में हम mega marathon session है ये हमारा, जहाँ पे हम unit 1, 2, 3 और 4 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. सो कॉमन आज सारे यूनिट को मिला के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, रैपिड फायर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जिसमें फटाफट से आपको आंसर्स बताने हैं और फिर फटाफट से हम उसको डिस्कस करेंगे. सो रैपिड फायर होगा ये हमारा आज का, और आपको बिल्कुल इन्वॉल्व होके बिल्कुल फटाफट से आंसर देना है. जितने जल्दी फटाफट आंसर दोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम आज करेंगे. तो आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी आंसर करते हो और हम कितना जल्दी कितने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं आज की सेशन में. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में. तो जो स्टूडेंट्स अनअकैडमी की पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि पेड क्लासेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं. अगर आप अनअकैडमी प्लस या फिर अनअकैडमी आइकनिक की क्लासेस से जुड़ते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अनअकैडमी प्लस और आइकनिक आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है. जैसे कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. और अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको फिर अलग एडवांटेजेस देता है, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है. आपको पूरा प्लान दिया जाएगा कि आप कब किस चैप्टर को पढ़ोगे, कब कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे. तो ये हो गया आपको स्टडी प्लानर मिलेगा. इसके साथ यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है. ठीक है, स्टडी मटेरियल के अंदर आपको आपके पूरे सिलेबस को एक अच्छे तरीके से डिफाइन तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे से दिया जाता है, ताकि आप अपने कोर्स को यहाँ से कंप्लीट कर सको अच्छे से. इसके साथ आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट इवैल्यूएशन होगा आपका. आपको मिलेगा एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एक्सपर्ट आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस देंगे जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट अप कर पाओगे. सो ओवरऑल अनअकैडमी का टारगेट यही है कि आपकी प्रिपरेशन जो हो वो बहुत ही आसान हो जाए इसके साथ जुड़ के. इन सारी चीजों को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से. प्ले स्टोर पे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल कर लो. इंस्टॉल करने के बाद सेलेक्ट योर गोल एज CSIR UGC नेट. इस गोल के अंदर आपको अनअकैडमी की जो हमारी क्लासेस होती है लाइफ साइंसेस की, वो CSIR की मिल जाएंगी आपको ऐप पे. अगर आप देखना चाहते हो फ्री क्लासेस तो फ्री क्लासेस पे क्लिक करो और फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हो डायरेक्टली. अगर आप देखना चाहते हो पेड क्लासेस तो फिर आप प्लस पे जाओ और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपको प्लान चूज करना होगा. ठीक है, आप अगर 12 मंथ्स के लिए जाते हो, 6 मंथ्स के लिए जाते हो या 24 मंथ्स के लिए जाते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एग्जाम कब देने वाले हो, सब्सक्रिप्शन ले लो. देन डोंट फॉरगेट टू एंटर अ रेफरल कोड हियर. इससे क्या मिलेगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. जो भी यहाँ पे लिस्टेड प्राइस है उन सब में से 10% ऑफ आपको मिलेगा बाय यूजिंग माय रेफरल कोड Surbhi01. ये कोड है मेरा जिसको यूज करके आप अनअकैडमी से 10% ऑफ ले सकते हो. ठीक है, यहाँ से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा Surbhi01 कोड यूज करके. देन पेमेंट कर दो, अब आप प्लस सब्सक्राइब हो चुके हो. और प्लस सब्सक्राइबर होने का फायदा जो है बहुत सारा फायदा है. आपको बहुत सारे अनलिमिटेड सेशंस यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस को, आपकी प्रिपरेशन को अल्टीमेटली बूस्ट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन और प्रैक्टिस सेशन. और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आज के आज सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ले लो, क्योंकि 31 अगस्त जो कि है आज, आज आपकी जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी. और साथ ही साथ आपका जो ये ऑफर है 6+2 एंड 12+2 का, ये ऑफर भी आपका खत्म हो जाएगा. सो जिनको भी इंटरेस्ट है, जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आज के आज ही सब्सक्रिप्शन अपना ले लीजिए, डिले नहीं करिए, क्योंकि अभी आपके लिए 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है. ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए. सो शैल वी स्टार्ट? यस,
चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को, ठीक है? फटाफट से करेंगे, फटाफट करेंगे, कोई डिले नहीं करेंगे। जितना जल्दी आप मुझे आंसर दोगे, जितना फास्ट आपका आंसर आएगा, उतना ही फास्ट हम उसको डिस्कस करेंगे और उतना ही जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट आंसर देते हो, आप कितना फास्ट डिस्कस करते हो, ठीक है? सो फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए होंगे, आई नो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी इनको कर पाओगे। और जहां पे भी किसी को डाउट होगा मैं वहां एक्सप्लेन करूंगी। आ जाओ देखते हैं। तो द एंजाइम एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडिपोसाइट्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स आर, कौन सा एंजाइम एडिपोसाइट्स और जर्मिनेटिंग सीड्स में मोस्ट अमाउंट में और मोस्ट एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सो जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं या फिर जो हमारी सेल्स में एडिपोसाइट्स टिश्यूज होते हैं, तो एडिपोसाइट्स टिश्यू के अंदर क्या होता है? फैट स्टोर्ड रहता है, ठीक है? जर्मिनेटिंग सीड में भी क्या रहता है? फैट की स्टोरेज रहती है एज अ रिजर्व फूड, ठीक है? सो फैट स्टोर रहता है और इस फैट को क्या करना है, अगर आपको यूटिलाइज करना है फैट को, सो फैट को यूटिलाइज करने के लिए इसको आपको क्या करना होगा? ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है? फैट नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है? इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करना पड़ेगा। सो फैट्स को ब्रेक करने के लिए इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल यू नीड एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं लाइपेसेस, ठीक है? तो जब आप जर्मिनेटिंग सीड को सॉइल में मर्ज करते हो तो यहाँ पे उनके लाइपेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड को डिग्रेड करते हैं, जो कि आपको फैट्स को डिग्रेड करते हैं, जो कि आपको फैटी एसिड प्रोवाइड कराता है, और फिर फैटी एसिड जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है टू दीज जर्मिनेटिंग सीड्स। सो जर्मिनेटिंग सीड्स की बात कर लो या फिर आप एडिपोज टिश्यू की बात कर लो, तो जब आपकी बॉडी में स्टार्वेशन कंडीशन रहता है, सो स्टार्वेशन कंडीशन में एडिपोसाइट्स टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं फैट्स की फॉर्म में, फैटी एसिड की फॉर्म में। सो इन दोनों के अंदर क्या रहते हैं? दोनों के अंदर फैट का स्टोरेज होता है एज अ रिजर्व्ड फूड, और ये रिजर्व्ड फूड यूज करने के लिए फैट नीड्स टू बी डिग्रेडेड इनटू फैटी एसिड, और फैटी एसिड में बनाने के लिए इसको लाइपेज एंजाइम की जरूरत होती है। सो कौन सा एंजाइम एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एडिपोसाइट्स और जर्मिनेटिंग सीड्स में? इट इज द लाइपेज एंजाइम, ठीक है? लाइपेज एंजाइम जो है वो मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। राइट? Yes. चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे, मूव कर लेते हैं अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे सेशन। सॉल्व करें इसको।
चलिए कमेंट के अंदर आंसर बताइए सारे बच्चे। वेयर आर एवरीवन, कहाँ है सारे बच्चे? नो वन इज आंसरिंग इन द कमेंट। आप पहले बोलते हो क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, जब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ तो कोई भी बच्चा लाइव क्लास में आता नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है आप लोगों की, यूट्यूब की क्लासेस की यही प्रॉब्लम है। आपको तो पता है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, तो हम जल्दी से बाद में देख लेंगे। चलो, जनरली फैट्स विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वॉट एट रूम टेम्परेचर। तो फैट्स के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक होता है जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, वो क्या होता है आपका कि फैटी एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो फैटी एसिड्स के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताती हूँ दो मिनट में। पहली चीज फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आप जाओगे तो क्या होता है, वहां पे एक ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, एक ग्लिसरॉल होता है और उसके साथ फैटी एसिड चेन अटैच होते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये है CH, 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 O, O, O। यहाँ पे H को रिप्लेस करके, ठीक है, एच को रिप्लेस करके यहाँ पे आप क्या करते हो, एच को रिप्लेस करके आप दो फैटी एसिड चेन अटैच कर देते हैं। फैटी एसिड चेन क्या होता है ये भी अगर जानना है, सो ऐसे होता है CH2, CH2 .. N CH2 N, और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हो गया आपका फैटी एसिड चेन। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस O के साथ बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है और ये फैटी एसिड चेन अटैच होता है, फैटी एसिड चेन 1, फैटी एसिड चेन 2, और यहाँ पे थर्ड जो ग्लिसरॉल की मॉइटी होती है, थर्ड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका टोटल क्या, फैटी एसिड, ठीक है, या फिर फॉस्फोलिपिड। और यहाँ पे आपके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिससे कि अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड या फिर लिपिड बनता है। तो ये होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर। अब इस जनरल स्ट्रक्चर की, इस फैटी एसिड की, इस फॉस्फोलिपिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है कि यहाँ पे जो फैटी एसिड चेन है वो किस टाइप के हैं, ठीक है। तो अब ये सारा स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन ही रहता है, जिसको मैं अगर मैं यहाँ पे सर्कल करूं ब्लैक कलर से, सो ये वाला पार्ट जो मैंने सर्कल किया, ये सारे के सारे फैटी एसिड्स में, ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड में सेम रहते हैं। डिफर क्या करता है, ये फैटी एसिड वाला पार्ट, ठीक है, फैटी एसिड वाला पार्ट जो है वो डिफर करता है। सो फैटी एसिड जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है सैचुरेटेड, और दूसरा क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड मतलब कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, नो डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब कि इट हैज डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने या ना होने से क्या डिफरेंस होता है, तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, लीनियर है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये लीनियर अरेंज रहेगा। मान लो इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने से ये जो स्ट्रक्चर है वो अपने सिस कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन, तो इसके अंदर ऐसा हल्का सा बेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर था जो कि क्या था, जो कि था सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर। सो लीनियर अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इसके बीच में ज्यादा अच्छे से इंटरैक्शन होगा, ज्यादा कॉम्पैक्ट इंटरैक्शन होगा, बिकॉज सारे लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं। बट जहां यहाँ पे बेंडिंग आया, जहां इधर पे बेंडिंग आया, सो बेंड एरिया में जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन का एक्सटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब इंटरैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो सारे एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली बाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो जहां आपने अनसेचुरेशन इंट्रोड्यूस किया, जहां आपने डबल बॉन्ड डाला, अनसेचुरेशन होने से जो स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का वो क्या हो गया, वो लेस कॉम्पैक्ट हो गया। लेस कॉम्पैक्ट हो गया मतलब कि इंटरेक्शन लेस हो गया, तो इसको आप जल्दी से सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसवर्जन कर पाओगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर मान लो कोई चीज ज्यादा कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे के साथ बहुत टाइट बंधा हुआ है, तो उसको अगर आपको अलग करना है तो वो क्या होगा, मुश्किल होगा, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट कोई चीज जो है लूजली पैक्ड है तो इसको अलग करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सिमिलरली यहां जैसे ही आपने अनसैचुरेशन इंट्रोड्यूस किया, जो फैटी एसिड चेन है वो आपस में पहले जो टाइटली बाउंड थे अनसैचुरेशन के साथ, वो लूजली बाउंड हो गए बिकॉज ऑफ द बेंडिंग, जिसकी वजह से इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सेपरेट करना ज्यादा आसान हो गया, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कम हो गया, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए
यहाँ पे क्या देखा हमने कि अगर फैटी एसिड क्या है, अनसेचुरेटेड है, तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया, लो हो गया. तो यहां से क्या स्टेटमेंट हम देते हैं, दैट डिग्री ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट. मतलब अगर आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होगा. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आप बढ़ा रहे हो. तो यहां पे अगर हम बात करें कि जनरली फैट्स विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा. तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है. ठीक है, अगर एक सॉलिड है तो अगर उसमें आप मेल्टिंग टेम्परेचर पे लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे यूजुअली क्या रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, आया ये समझ में कॉन्सेप्ट पूरा लिपिड का. लिपिड का देखो, लिपिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. लिपिड का एक तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड इंपॉर्टेंट है, फिर इसके प्रॉपर्टीज जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, फिर इसके लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, ये सारी चीजें. उसके बाद आपका इसका मेटाबॉलिज्म. ऐसे आप हर चैप्टर को पार्ट वाइज करके पढ़ो. जैसे लिपिड कर लिया, लिपिड का स्ट्रक्चर देख लिया, लिपिड के नॉमेनक्लेचर देख लिए, लिपिड के स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स देख लिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख ली, फिर मेटाबॉलिज्म देख लिया, तो लिपिड कंप्लीट हो गया. ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट पे जाओ, स्ट्रक्चर देख लो, सेवरल टाइप्स देख लो. ठीक है, फिर उसके बाद और जो भी चीजें हैं उसके स्टीरियोआइसोमर्स वो सब देख लो, फिर मेटाबॉलिज्म देख लो. तो एक एक जो है पार्ट को कंप्लीट कवर करो, ऐसे करके करोगे तो आसान हो जाएंगी चीजें. तो ये हमने देख लिया लिपिड का स्ट्रक्चर और उसका प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. सो आ गया होगा समझ में. आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता ही होगा, हमने ये बहुत बारी डिस्कस किया है, तो ये क्लियर ही होना चाहिए आपको. इतना इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे. इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए, ये रहा आज का थर्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो. यूनिट वन चल रहा है अभी हमारा, यूनिट वन से 10-12 क्वेश्चन करेंगे, फिर यूनिट टू पे चलेंगे. चलिए फटाफट. हेलो श्रेया, गुड मॉर्निंग. रिएक्शन प्रोडक्ट इनहिबिट कैटालिसिस इन एंजाइम बाय. चलिए देखते हैं इसको. रिएक्शन प्रोडक्ट इनहिबिट कैटालिसिस ऑफ द एंजाइम बाय. ठीक है, तो क्या होता है देखो, किसी किसी एंजाइम के अंदर, मान लो ये एंजाइम है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट करा और क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है अब टू कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और अब एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, और ये एंजाइम जो है वापस से यहां आके
यूज होने लगता है। ये होता है आपका पूरा का पूरा एक एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन के अंदर। कभी कभी क्या होता है, जब प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर आपके रिएक्शन में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, बस एक्यूमुलेट होते जा रहा है, प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते गया होते गया होते गया, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, ये जो रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन अफेक्ट हो जाएगा। ये जो इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये इंजाइम और प्रोडक्ट यहाँ पे अलग अलग होंगे ही नहीं। क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है वो इस एंजाइम से बाइंड किए हुए ही रह जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है वो अपने एंजाइम से क्या हो जाएगा, कोवेलेंटली अटैच हो जाएगा और इसको छोड़ के जाएगा ही नहीं। कोवेलेंटली अटैच होके इसके साथ ही रह जाएगा, इसको छोड़ के जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब आपका प्रोडक्ट एंजाइम को छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो एंजाइम आपका एम्प्टी होगा ही नहीं ताकि वो अलग सबस्ट्रेट से बाइंड कर सके। तो आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड करे ही रह जाएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं। और जब तक वो एक्टिव साइट को छोड़ेगा ही नहीं, आपके अलग सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। सो प्रोडक्ट जो है वो कैसे इनहिबिट करता है, प्रोडक्ट विल बाइंड कोवेलेंटली विथ एंजाइम एक्टिव साइट और उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो आंसर यहां पे सी होगा। ठीक है, बी बोल रहा है कोवेलेंटली इनहिबिट कैटालिसिस बाय, इट्स विल नॉट कोवेलेंटली बाइंड, इट विल रिमेन ऑक्यूपाइड ऑल्टरिंग द एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम का स्ट्रक्चर भी ऑक्यूपाई नहीं करता है वो, इन द प्रोडक्ट विल कोवेलेंटली बाइंड विद द एंजाइम एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे वो क्या करता है, वो बाइंड किए हुए रह जाता है, एंजाइम को वो छोड़ता ही नहीं है। एंजाइम और सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे, और यहीं पे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रोडक्ट उस एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़ के हटेगा ही नहीं, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग होंगे ही नहीं, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करता है, ठीक है, वो और कोई काम नहीं करता है, नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन जहां पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, ये स्टेप जो है स्टॉप हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे यूनिट वन का क्वेश्चन नंबर फोर, सॉल्व करिए इसको। चलिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंजाइम काइनेटिक्स अगेन।
इफ द केम ऑफ एन एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट इज, सबस्ट्रेट ए के लिए केम की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁶। सबस्ट्रेट बी के लिए केम की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁸। ठीक है, ये दो है. अभी 10⁻⁶ और 10⁻⁸ में से विच इज लार्जर, दिस इज लार्जर, यस ये लार्जर है, ये स्मॉल है. इट मीन्स, ठीक है, एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट ए के लिए एफिनिटी ज्यादा है, सबस्ट्रेट बी के लिए एफिनिटी कम है. तो एक एंजाइम की जो एफिनिटी है, केएम की वैल्यू दी हुई है. सो एंजाइम की एफिनिटी जो है वो केएम पे डिपेंड करती है. कैसे? एंजाइम एफिनिटी इज by Km. Enzyme affinity is inversely proportional to Km. 10⁻⁸ तो less है ना, 10⁻⁶ है. Yes, 10⁻⁶ is larger and 10⁻⁸ is smaller. Yes, 10⁻⁸ small है, 10⁻⁶ large है. So enzyme affinity जो है Km से inversely related होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसके लिए Km क्या है, ज्यादा है. A के लिए Km for A is higher. So, इसकी एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी. ठीक है, इसकी एफिनिटी लेस होगी. केएम फॉर बी इज लो, 10⁻⁸, सो एफिनिटी फॉर बी इज मोर. ठीक है, बी के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी. सो एंजाइम हैज मोर एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट ए देन बी. क्यों? बिकॉज केएम की वैल्यू ए के लिए ज्यादा है. सो केएम और एंजाइम एफिनिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखने वाली. किसी भी एंजाइम के लिए केएम की वैल्यू जितना ज्यादा होगा किसी सबस्ट्रेट का, उसके लिए उसकी एफिनिटी उतनी ही कम होगी. राइट, सो एंजाइम एफिनिटी और केएम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. हाँ, यस, क्या इज देयर एनी कंफ्यूजन? 10⁻⁶ जो है इज ग्रेटर देन 10⁻⁸. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. -6 इज ग्रेटर, सो फॉर ए एफिनिटी इज लेस. यस, इज दिस क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसके लिए सही आंसर है बी. लेट्स गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम. कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव का एक हमने टेबल याद करा था. क्या बताया था मैंने आपको कि टेबल के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव को आपको याद करके रखना है. आप सबने वो टेबल बना रखी है? टेबल बना के रखना. टेबल मैंने बताया था कैसे बनाना है, तीनों को कंपेयर करके उसका क्या क्या, तीनों का इक्वेशन क्या है, बाइंडिंग किससे होती है. ठीक है, इक्वेशन क्या है, बाइंडिंग किससे होती है, तीनों में क्या क्या चीजें चेंज होती है, ग्राफ कैसा होता है. इन चार ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको मैंने बोला था टेबल बना के रखने के लिए. ठीक है, और अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो किसमें क्या चेंज आता है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बोला था आप सबको कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का एक टेबल बना के रखने के लिए. तो आप सबको मैंने बोला था एंड आई होप कि सबने बना रखा होगा, है ना. ऐसा करके एक टेबल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट का तीनों के लिए आपको टेबल बनाना होगा, जिससे कि पूरा का पूरा एंजाइम काइनेटिक्स एक छोटे से पेज में आ जाएगा. अगर आप बोलोगे तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट क्लास में टेबल बनवा भी दूंगी. मैंने एक बार बनवाया भी था आपको क्लास में टेबल, मैंने एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन किया था. अगर वो क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो
या फिर मैं फिर से वो क्लास एक बार रिपीट कर दूंगी, यहाँ पे हम इस पूरे टेबल को सब साथ में, मैं आपको टेबल दिखा दूंगी, आप साथ में वैसा ड्रॉ कर सकते हो अपने लिए। चलो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो जाके डायरेक्टली एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। इनहिबिटर जाके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और एक्टिव साइट पे बाइंड करके सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है इस एंजाइम के लिए वो कम हो जाती है, और एफिनिटी कम हो जाती है मतलब कि Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ जो Km है इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो क्या हो जाता है, Km डैश, ठीक है। और Km डैश क्या होता है आपका, Km डैश इज इक्वल टू Km प्लस वन प्लस आई बाई के आई, वन प्लस आई बाई के आई के फैक्टर से Km जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। Vmax में कोई भी अंतर नहीं होता है, Vmax सेम रहता है, बट Km विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ वन प्लस आई बाई के आई, ठीक है। तो ये हो जाता है अपेरेंट Km, Km डैश इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ वन प्लस आई बाई के आई, ठीक है। तो आंसर इसके लिए हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करें इसको, आई विल डिस्कस इट इन अ मिनट। चलो लेट्स सी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पी एच एट विच नेट चार्ज इज जीरो फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। नेट चार्ज इज जीरो मीन्स आपको एप्रोप्रिएट पी एच कैलकुलेट करना है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द आइसो इलेक्ट्रिक पी एच, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पी एच कैलकुलेट करना है आपको इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। चलिए लेट मी चेक, यस। सो देखो, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच जो है क्या होता है, किसी भी अमीनो एसिड के लिए अगर आपको उसका पीआई निकालना है
तो उसका पी के ए प्लस पी के टू बाय टू आप करते हो, है ना। अभी अगर ये नॉर्मल अमाइनो एसिड के लिए होता है जिसका आर ग्रुप क्या होता है, पी के ए प्लस पी के बी, जिसका आर ग्रुप अनचार्ज्ड होता है। लेकिन जिसका आर ग्रुप चार्ज्ड होता है, ठीक है, जहां पे चार्ज्ड आर ग्रुप आ जाता है, चार्ज्ड आर ग्रुप के लिए जो पी आई की वैल्यू होती है वो होती है पी के वन प्लस पी के आर बाई टू, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे पी के आर आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कि चार्ज आयोनाइजेबल ग्रुप कौन सा है। तो इस अमाइनो एसिड में देखते हैं इसका चार्ज आयोनाइजेबल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो ये है इसका पी के ए का वैल्यू, ठीक है, पी के ए की वैल्यू ये इसकी ये है 2.02, पी के वन की वैल्यू है 2.02। अभी देखते हैं यहां से एक एच प्लस जब निकलेगा तो ये इसकी वैल्यू है। दूसरा एच प्लस इसमें कहां से निकलता है, यहां से, बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक ग्रुप। और जब इस आर ग्रुप से, इस आर सी ओ ओ एच से आर सी ओ ओ माइनस बनेगा, तो यहां पे जो एच प्लस निकलेगा उसकी वैल्यू होगी 3.80। तो पी के आर की वैल्यू हो गई 3.80। इसके बाद थर्ड एच प्लस कहां से जाएगा, यहां से एनएच थ्री पॉजिटिव से, एनएच थ्री पॉजिटिव से ये एनएच टू बनेगा। और यहां पे जो पी के टू की वैल्यू है वो कितनी होगी, 9.94। ये तीन वैल्यूज आई। अब देखना है हमको कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, एसिडिक है, इसका आर ग्रुप क्या है, सी ओ एच है। सो इसके लिए हम पी के वन और पी के आर को कंसिडर करके इसका पी आई कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट द पी आई। ठीक है, इसमें पी के आर और पी के वन पे डिपेंड करेगा। सो पी आई इज इक्वल टू पी के वन प्लस पी के आर डिवाइडेड बाय टू। पी के वन कितना है, 2.02, ये है 3.80, सम कर ले इसको बाय टू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2.91, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। पी आई जो है वो हमेशा पी के वन प्लस आपके पी के आर पे डिपेंड करेगा अगर वो आयोनाइजेबल आर ग्रुप रखता है तो। अगर आयोनाइजेबल आर ग्रुप नहीं रखता तो सीधे पी के ए प्लस पी के बी बाई टू कर देते, लेकिन यहां पे बिकॉज क्या है, आयोनाइजेबल आर ग्रुप है तो इस पी के आर को हम कंसिडर करेंगे, पी के वन प्लस पी के आर डिवाइडेड बाय टू। सो 2.02 प्लस 3.80 डिवाइडेड बाय टू, इट इज 2.91। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव अहेड। अगेन एक्सप्लेन करूं, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले इस अमाइनो एसिड को देखो, सबसे पहले आपको देखना होता है कि अगर एक अमाइनो एसिड है लाइक एलेनिन, ठीक है, जिसमें कि देर इज नो चार्ज्ड आर ग्रुप, जहां पे आर ग्रुप चार्ज नहीं है, तो उसके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की वैल्यू है वो सिंपल पी के ए प्लस पी के बी बाई टू हो जाता है। ठीक है, सिंपली, राइट। बट जब आपको बोलते हैं अमाइनो एसिड जिसमें कि क्या है, चार्ज्ड
आयोनाइजेबल आर ग्रुप होता है, तो उसके लिए जो हम पी आई की वैल्यू निकालते हैं वो क्या होगा. ठीक है, दिस इज द आयोनाइजेबल फॉर्म. यस, 2.02 में ज्विटरायन हो गया. यस, 2.02 में ज्विटरायन हो गया. सो 2.02 ये जो ज्विटरायनिक फॉर्म है, इसका ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों का एवरेज अगर आप लोगे तो वो उसका पी आई होगा. ठीक है, ऐसे समझो. ये ज्विटरायनिक फॉर्म है. इस ज्विटरायनिक को फॉर्म को बनाने के लिए पहला H प्लस यहां से जाएगा, सो ये हो गया इसका पी के वन 2.02. जब दूसरा H प्लस यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक ग्रुप कौन सा है, ये है COH. तो दूसरा H प्लस यहां से जाएगा, तो ये होगा आपका पी के आर, दैट इज 3.80. इसके बाद नेक्स्ट H ग्रुप यहां से जाएगा, तो वो हो गया पी के टू, दैट इज 9.94. अब अगर इसका हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखें, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में पी के वन और पी के आर के बीच में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ रहा है. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो पी के वन और पी के आर का एवरेज होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड होता है जिसमें कि ये आर ग्रुप क्या होता, अमीन ग्रुप होता, एनएच टू होता, तो फिर इसके अंदर हम क्या करते, इस वाली वैल्यू को और R वाली वैल्यू को ऐड करते. तो अगर एसिडिक है तो पी के वन प्लस पी के आर होगा, अगर बेसिक रहता तो पी के टू प्लस पी के आर होता है. ठीक है, बाई टू. अगर एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है तो ये, अगर बेसिक अमाइनो एसिड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है. अगर नॉर्मल है तो सिंपली पी के वन प्लस पी के टू यूज किया जाता है. ठीक है, गॉट इट. चल, विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये ज्विटरायन के लेफ्ट और राइट वाले का एवरेज कर दोगे तब भी हो जाएगा. राइट, ये ज्विटरायन है तो इसको और इसको अगर आप एवरेज कर देते हो, ठीक है, जब ये बेसिक होता है तो यहां पे ज्विटरायन बनता है, जब ये बेसिक अमाइनो एसिड रहता है ना तो ये वाला ज्विटरायन ही होता है, तो इसको और इसको आप सम कर दोगे, सो हो जाएगा उसके फॉरवर्ड और रिवर्स वाला. ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब आपका पी आई कैलकुलेट करना हो किसके लिए, बेसिक के लिए, तो बेसिक के लिए होगा ये पी के टू प्लस पी के आर बाय टू. अगर ये एसिडिक के लिए कर रहे हो आप तो पी के वन प्लस पी के आर बाय टू. अगर ये न्यूट्रल के लिए कर रहे हो तो क्या होगा, पी के वन प्लस पी के टू बाय टू. यही है इसका बेसिक तीनों केस के लिए फॉर्मूला. अभी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के लिए. चलो ये रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करें. चलो सॉल्व करो इसको.
Let's see this question. Which of the following is most appropriate statement regarding folded proteins? Folded proteins के बारे में कौन सा statement सही है? तो folded proteins के बारे में बस ये concept ध्यान रखो, सारा question जो है अच्छे से हो जाएगा. क्या होता है folded protein में, अगर ये folded protein है, इसके core के अंदर non polar amino acid रहेंगे. पता होगा आपको core के अंदर non polar amino acid रहेंगे ताकि वो अपने आप से इंटरैक्ट कर सके, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के थ्रू वो स्टेबल रह सके और वाटर के साथ मिनिमम कॉन्टैक्ट कर सके. और सरफेस पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो पोलर चार्ज होते हैं ताकि वो सरफेस सराउंडिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके. तो यही होता है एक फोल्डेड प्रोटीन का बेसिक अरेंजमेंट, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है. देखते हैं, तो स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. चार्ज अमाइनो एसिड आर ऑलवेज बडीड. बडीड मतलब कि यहाँ कोर में. तो क्या चार्ज अमाइनो एसिड हमेशा कोर में होते हैं? नो, चार्ज वाले तो सरफेस पे होते हैं. तो रॉन्ग हो गया. चार्ज अमाइनो एसिड आर सेल्डम बरिड. सेल्डम मतलब कि कभी कभी. ठीक है, चार्ज वाले कभी कभी बरिड हो सकते हैं. यस, देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस. तो ये है गया यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड देखो, नॉन पोलर अमाइनो एसिड आर सेल्डम बरिड. नॉन पोलर जो है वो कभी कभी बरिड होते हैं? नो, नॉन पोलर जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बरिड ही होते हैं. सो ये भी गलत हो गया. टायरोसिन रेसिड्यूज आर बरिड. टायरोसिन क्या है? टायरोसिन इज अ पोलर अमाइनो एसिड जिसके पास OH ग्रुप होता है. तो ये हमेशा क्या होता है? बरिड नहीं रहता है, ये सरफेस पे होता है. ठीक है, ये सरफेस पे हो सकता है. सो ये भी गलत हो गया. सो ए सी डी बोथ दीज थ्री आर रॉन्ग. ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, सो ऑप्शन बी हो गया इसके लिए राइट. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो ये रहा अगला सवाल. चलो इसको सॉल्व करो. विच पेप्टाइड बॉन्ड मार्क्ड एज ए बी सी डी एंड ई विल बी ब्रोकन व्हेन द फॉलोइंग ओलिगोपेप्टाइड इज ट्रीटेड विथ ट्रिप्सिन. Which peptide bond marked as ABCD will be broken when treated with trypsin? To trypsin का mode of action जो है पता होना चाहिए.
ट्रिप्सिन कहाँ पे क्लीव करता है, ट्रिप्सिन का मोड ऑफ एक्शन ध्यान रहना चाहिए। भूल गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसका भी एक टेबल हमने देखा था, लेट मी सी अगर वो मेरे पास टेबल है तो मैं आपको वो बताती हूँ, रुक जाओ। है ना, चलो इसका भी टेबल है मेरे पास, तो रुको मैं आप सबको टेबल यहाँ पे बना देती हूँ। टेबल बना लेते हैं इसका, ठीक है। चलो पहला है कौन सा अमीनो एसिड, पहला है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन है, ठीक है। ट्रिप्सिन ध्यान रखना इसको, अभी पढ़ लो, बाकी दोबारा से भूलना नहीं चाहिए। ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ पे कट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ एंडोपेप्टाइड। पहली कैटेगरी ये ध्यान रखो कि कैटेगरी कौन सी है, एंडोपेप्टाइड है। एंडोपेप्टाइड कहाँ कट करेगा, सी टर्मिनल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड लाइसीन एंड आर्जिनिन। लाइसीन एंड आर्जिनिन पे कट करेगा, ठीक है, के एन आर। बट कब कट करेगा, जब नो प्रोलीन अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर एडजेसेंट अमाइनो एसिड जो है, नो प्रोलीन एट नेक्स्ट, ठीक है। अगर प्रोलीन नेक्स्ट अमाइनो एसिड नहीं हो तो लाइसीन और आर्जिनिन को ट्रिप्सिन जो है वो सी टर्मिनल पे कट कर देता है, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा अमाइनो एसिड देखें, काइमोट्रिप्सिन, कलर से लिखती हूँ, यस। दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या है, दिस इज ऑल्सो अ एंडोपेप्टाइडेज। ये भी एक एंडोपेप्टाइडेज है जो कि मिडिल में कट करेगा, ठीक है। कहां पे कट करता है, ये कट करता है सी टर्मिनल ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड लाइक ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन के सी टर्मिनल पे कट करता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड इज यस, टेबल में एक पेप्सिन है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है ये एंडोपेप्टाइडेज है ये भी, और ये कट करता है एन टर्मिनल ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, हाइड्रोफोबिक के एन टर्मिनल पे। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन के एन टर्मिनल पे कट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं, यस। नेक्स्ट इज CNBR, दैट इज साइनोजेन ब्रोमाइड। ये किसको कट करता है, ये कट करता है, ये भी है एंडोपेप्टाइड, ये कट करता है सी टर्मिनल ऑफ मिथियोनिन। ये मिथियोनिन के लिए स्पेसिफिक होता है जो कि उसके सी टर्मिनल को कट करेगा, ठीक है। देन आते हैं दो और, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। ये दोनों क्या होते हैं, एक्सोपेप्टाइड। ये हमेशा टर्मिनल पे कट करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल, अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है तो ये टर्मिनल पे अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, अगर एक्सोपेप्टाइड है तो इसको कट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी जो है ये भी एक्सोपेप्टाइडेज है, और एक्सोपेप्टाइडेज में अगर लाइसिन और आर्जिनिन हो तो ये वहां पे कट करेगा। तो स्टार्टिंग के चार है एंडोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और बी है एक्सोपेप्टाइडेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है, ठीक है। तो ये हो गया चार एक्सोपेप्टाइडेज और लास्ट के दो एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है, ठीक है यहाँ पे। सो ये हो गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड सीएनबीआर, दीज फोर आर एंडोपेप्टाइडेज, और बाकी के दो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी
ये एक्सोपेप्टाइडेज हैं जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के ही अमाइनो एसिड को टारगेट करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल वाले। ठीक है, देख लो ये टेबल को, बिल्कुल फिट कर लो दिमाग में, इस टेबल को फिट कर लो दिमाग में अपने। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज कौन सा है और एक्सोपेप्टाइडेज कौन सा है, बना लो इस टेबल को जल्दी से और बनाकर फिर मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े, बना लिया टेबल, जल्दी से बताओ क्या टेबल बना लिया। अब इस क्वेश्चन पे चले, लास्ट क्वेश्चन पे। यस, सो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी क्लीव्ड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन जो है वो क्या क्लीव करता है, ट्रिप्सिन जो है वो एंडोपेप्टाइडेज है जो कि सी टर्मिनल के लाइसिन और आर्जिनिन पे क्लीवेज करेगा जब प्रोलीन नहीं होगा पास में। ठीक है, चलो तो देखते हैं, लाइसिन है बट दिस इस बॉन्ड को क्लीव किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है, एक्सोपेप्टाइड बॉन्ड है, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये क्लीवेज नहीं होगा मैम, वो एक्सोपेप्टाइड के लिए एन या सी टर्मिनल मैटर नहीं करता है। हाँ यस श्रेया, एंडोपेप्टाइडेज के लिए सी या नहीं करता है, ये भी कर सकता है इधर भी कर सकता है, एन और सी दोनों पे ही कर सकता है, एक्सोपेप्टाइड है तो। ठीक है, तो ये ए बॉन्ड जो है एक्सोपेप्टाइडेड है, तो ये लाइसिन जो है क्लीवेज नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं इस वाले बॉन्ड पे, सी टर्मिनल ये है, आर्जिनिन है लेकिन नेक्स्ट क्या है, प्रोलीन है, तो ये भी क्लीवेज नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लाइसिन है यहाँ पे, सी टर्मिनल है बॉन्ड लेकिन एडजेसेंट में क्या है, प्रोलीन है, तो ये भी बॉन्ड जो है वो क्लीव नहीं होगा, सी टर्मिनल वाला। नेक्स्ट आर्जिनिन, वन सेकेंड कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। यस, पहला ए जो है एक्सोपेप्टाइडेज है इसलिए नहीं होगा, दूसरा आर्जिनिन वाला बॉन्ड जो है बी ये क्लीव हो सकता है लेकिन एडजेसेंट में पेप्टाइड है इसलिए ये भी क्लीव नहीं होगा, सी नहीं होगा बिकॉज प्रोलीन है। डी अगेन क्लीव हो सकता है, डी वाला बॉन्ड क्लीव हो सकता है, इसके एडजेसेंट में क्या है, आर्जिनिन है, सो डी वाला बॉन्ड जो है वो क्लीव हो सकता है, सिर्फ डी। बात करें ई, तो आर्जिनिन तो है लेकिन ये क्या है, अगेन एक्सोपेप्टाइडेज है, सो एक्सो है तो ये भी क्लीव नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ डी बॉन्ड यहाँ पे जो है क्लीव होगा। ऑल्दो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आर्जिनिन है लेकिन सिर्फ आर्जिनिन और लाइसिन का होना ही जरूरी नहीं होता है, आर्जिनिन और लाइसिन का होना उसके साथ में उसके सी टर्मिनल पे प्रोलीन का होना अगर है तो फिर क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है, सो प्रोलीन का एग्जिस्टेंस, एक्सोपेप्टाइडेज, ये सारी चीजें क्लीव नहीं होने देती है ट्रिप्सिन से। ठीक है, तो ट्रिप्सिन सिर्फ और सिर्फ इस डी बॉन्ड को क्लीव करेगा। आया समझ में, कैसे देखते हैं, तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ डी।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, टेबल को रेफर करूं और इसको सॉल्व करूं और बताओ कमेंट में आंसर, फिर डिस्कस करेंगे। सॉल्व कीजिए इसको, सारे बच्चे आराम से सॉल्व करें बिना किसी जल्दीबाजी के। सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मुझे बताओ। चलो देखिए इसको। ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड जिसको क्लीव किया जा रहा है तीन दो एंजाइम से, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन से। सो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट विल बी फॉर्म्ड और दैट विल बी क्लीव्ड बाय दीज टू एंजाइम्स। सबसे पहले हम ट्रिप्सिन देखेंगे, ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ कट करेगा। ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ पे कट करता है, आर्जिनिन और लाइसिन के पास, बट एडजेसेंट में प्रोलिन नहीं होना चाहिए। तो ये कट हो सकता है, बट आर्जिनिन है लेकिन एक्सोपेप्टाइड है तो क्लीवेज नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लाइसीन है, क्या ये एक्सोपेप्टाइडेज है, नहीं। क्या एडजेसेंट में प्रोलीन है, नहीं। तो ये वाला बॉन्ड जो है क्लीव होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगेन आर्जिनिन है बट एक्सोपेप्टाइडेज है, सो बिकॉज वो एक्सोपेप्टाइडेज है तो यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगा और कहीं पे आपको आर्जिनिन और लाइसिन नहीं दिख रहा है। तो ट्रिप्सिन से क्या होगा, ट्रिप्सिन से सिर्फ एक ही बॉन्ड क्लीव होगा, ओनली वन बॉन्ड क्लीवेज होगा ट्रिप्सिन से। काइमोट्रिप्सिन जो है किसको क्लीव करता है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिलाइल एलेलिन, सी टर्मिनल पे। देखते हैं यहाँ पे कहीं नहीं है, टायरोसिन है, टायरोसिन क्लीव होगा यहाँ पे, यस एक क्लीवेज हो गया। दूसरा फिनाइल एलेनिन, बट ट्रिप्टोफैन यहाँ पे, तो इस बॉन्ड में भी क्या होगा, क्लीवेज होगा। सो यहाँ पे दो हो गए, तीसरा फिनाइल एलेनिन है बट ये क्या है, एक्सोपेप्टाइडेज है तो ये क्लीवेज नहीं होगा। तो काइमोट्रिप्सिन से टोटल नंबर ऑफ क्लीवेजेस कितने होंगे, दो। काइमोट्रिप्सिन से टोटल नंबर ऑफ क्लीवेज दो,
ट्रिप्सिन से टोटल नंबर ऑफ क्लीवेज 1, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, आंसर नंबर 1। ठीक है, ट्रिप्सिन से 1 एंड काइमोट्रिप्सिन से 2। आ गया समझ में? यस, ठीक है, ट्रिप्सिन विल हैव अ 1 क्लीवेज एंड काइमोट्रिप्सिन विल गो फॉर 2 क्लीवेज। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। चलिए आ जाइए, ये रहा अगला सवाल रिलेटेड टू एंजाइम काइनेटिक्स। चलो, माइकलिस मेंटेन डिराइव देयर इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग एजम्पशन। चलो आंसर लिखो इसका फटाफट से। चलो लेट्स सी, माइकलिस मेंटेन डिराइव्ड योर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग अजम्पशन। माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन है वो ये कहता है दैट ये जो एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, ये बनाता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट और एंजाइम बनाता है। सो हियर द रेट लिमिटिंग स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में जो ब्रेक डाउन करता है, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, ये जो है स्लो रिएक्शन होता है एंड दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। ई प्लस एस बिकमिंग ईएस इज नॉट द रेट लिमिटिंग स्टेप, ये फास्ट रिएक्शन होता है। स्लो रिएक्शन होता है ईएस ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम, सो दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन केस ऑफ द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में ये होता है आपका रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, यस श्रेया, ए इज द राइट आंसर। जो एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन करता है इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, दिस इज द स्लोएस्ट रिएक्शन
and slowest reaction are the rate limiting reactions. So this is right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आई थिंक ये यस ये यूनिट वन का लास्ट क्वेश्चन था. अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट टू, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू अब हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. आगे बढ़ते हैं फिर यूनिट टू के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. यूनिट टू के लिए ये रहा पहला सवाल. प्रीडोमिनेंट इंटरैक्शन इन फॉस्फोलिपिड दैट स्टेबलाइजेस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. So, predominant interaction between the phospholipid that stabilizes a biological membrane include hydrophobic interaction and hydrogen bonding. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो अगर प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन बोल रहा है तो आप दोनों लिखोगे, बट अगर आपसे पूछे कि मेजर इंटरेक्शन, अगर दो ऑप्शन में है तो ठीक है. अगर आपसे मेजर इंटरेक्शन पूछता, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन अगर आपको सेलेक्ट करना होता तो फिर मेजर में आप हाइड्रोफोबिक देते. मेजर इंटरेक्शन जो कि आपके लिपिड मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. ठीक है, बट यहाँ पे अगर इंटरेक्शन पूछ रहा है तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों. जो लिपिड का ये पोलर हेड हो गया, ये टेल हो गया. सो जो पोलर हेड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और जो ये नॉन पोलर टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है. तो जब सिर्फ एक फोर्स पूछा जाए तो एक फोर्स होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मेजर, और जब दोनों ऑप्शन में हो तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों आप कंसिडर करोगे. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी भी घुमा के आ सकता है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा है या फिर मोस्ट स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन सा है, तो वो होगा आपका हाइड्रोफोबिक. बट प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर आप हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे टिक करोगे. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस पोलर हेड के साथ, पोलर हेड के साथ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे जो ऐसे नॉन पोलर टेल होते हैं फैटी एसिड के, इसके साथ होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है. ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये रहा अगला सवाल.
सॉल्व करें इसको। Sure. Lateral diffusion of proteins in the membrane can be followed and the diffusion rate can be calculated by. Okay? Yes, right. FRAP is the right answer. Fluorescence recovery after photo bleaching technique से अब क्या कर सकते हो प्रोटीन के लेटरल डिफ्यूजन को. लेटरल डिफ्यूजन मतलब कि यहां से अगर एक प्रोटीन लिपिड के यहाँ पे मूव कर रहा है, सो दिस इज द लेटरल डिफ्यूजन. ठीक है, सो इस लैटरल डिफ्यूजन को आप फ्रैप टेक्निक से कैलकुलेट कर सकते हो. फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग. चलिए, वेरी गुड. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी थोड़े से इजी इजी सवाल है हमारे. माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सेपरेटेड बाय. चलिए सॉल्व कीजिए. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सेपरेटेड बाय. ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होंगे, सेल के अंदर राइबोसोम होगा, सेल के अंदर गॉल्जी बॉडी होगा, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा. सो इन सारे ऑर्गेनेल्स को अगर आपको सेपरेट करना पड़ जाए तो फिर आप कौन से टेक्निक को यूज करोगे आउट ऑफ दीज ऑल. ऑर्गेनेल को सेपरेट करना है आपको. चलिए आंसर. ऑर्गेनेल को सेपरेट करना है तो आप कौन से टेक्निक को यूज करोगे. यस राइट, सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे आप. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप ऑर्गेनेल को सेपरेट कर पाओगे. कैसे कि मान लो अगर कोई लार्जर ऑर्गेनेल है, ठीक है, सो लार्जर ऑर्गेनेल को अगर आपको क्या करना है, सेपरेट करना है. सो लार्जर ऑर्गेनेल को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आप लो स्पीड पे क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे. तो लार्जर ऑर्गन जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा. ठीक है, सेटल डाउन कर गया. इसके बाद फिर से आपको और स्मॉलर ऑर्गेनेल को करना है. ठीक है, और स्मॉलर ऑर्गेनेल को करना है तो लार्जर ऑर्गेनेल सेटल डाउन हो गया. फिर इससे आपने क्या किया, अगर स्मॉल ऑर्गेनेल चाहिए तो इस वाले सेटल डाउन के सुपरनेटेंट को आपने लिया और सुपरनेटेंट को फिर से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया. फिर यहां पे पैलेट डाउन हो जाएगा जो ऑर्गेनेल होगा. फिर से सुपरनेटेंट को लो, फिर से सेंट्रीफ्यूज करो और हाई स्पीड से, तो और भी स्मॉलर ऑर्गेनेल सेपरेट हो जाएंगे. तो इससे आप क्या करोगे, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होता है जहां पे आप हर एक स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड बढ़ा देते हो.
तो इस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से आप सेल के अलग अलग कंपोनेंट को, अलग अलग ऑर्गेनेल को सेपरेट कर पाओगे, ठीक है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। सो लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ये रहा अगला सवाल। चलो सॉल्व करो इसको। साइटोप्लाज्म कंटेन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है, यस। सेंट्रोसोम है, यस। राइबोसोम है, यस। डेफिनेटली लिपिड इज नॉट अ ऑर्गेनेल। लिपिड इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है वो आपका ऑर्गेनेल नहीं है, लिपिड जो है वो आपके आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट है। सो ए हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। लिपिड इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है वो आपके, सॉरी, लिपिड इज अ पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल, ठीक है। ए जो है सही जवाब है, यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करिए इसको। सो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स दैट विल पार्टिसिपेट,
ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर होगा बच्चे इसका 2, नॉट 4. क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो पार्टिसिपेट की बात हो रही है, एक होता है पार्टिसिपेट, एक होता है इन्वॉल्व. इन्वॉल्व होंगे 4, लेकिन पार्टिसिपेट तो सिर्फ दो ही करते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर तो दो के बीच में ही होता है. देखो कैसे, ये मान लो एक है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये है उसका दूसरा होमोलोग पेयर. इसमें देखो चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ. यहाँ पे होता है एक सेंट्रोमियर, ये है इसका सेंट्रोमियर, ठीक है. सेंट्रोमियर से अटैच होता है काइनेटोकोर, ये है काइनेटोकोर. क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होता है, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स. क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ये वाला क्रोमेटिड जो है इस वाले क्रोमेटिड के साथ इंटरैक्ट करता है और मटेरियल का एक्सचेंज करता है, ठीक है. दो क्रोमेटिड्स, कौन से क्रोमेटिड्स होंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, क्रॉसिंग ओवर में. तो सिर्फ दो क्रोमेटिड, सिर्फ दो स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बीच में एक्चुअल एक्सचेंज होता है, वो कितने होते हैं, एक्चुअल एक्सचेंज जो है वो दो के बीच में होता है. तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स विच विल पार्टिसिपेट और विच विल अंडरगो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लिक मटेरियल आर 2 हियर, ठीक है. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है, सी आंसर होगा. तो स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना कि काइनेटोकोर्स का नंबर कितना होता है, सेंट्रोमियर का नंबर कितना होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है सिर्फ और सिर्फ दो क्रोमेटिड्स का, ठीक है, दैट आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए सिंपल सा थ्योरेटिकल सवाल है ये एक, इसका आंसर जो है फटाफट से दे दीजिए. सिंपल सा ही सवाल है, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, ठीक है, इजी सा सवाल है, सेल्डन एंड शॉन, ऑप्शन ए. सो इजी सा सवाल है ये, इसलिए इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो ये रहा अगला सवाल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल. यस, द करेक्ट फेज ऑफ माइटोटिक
apoptotic cell cycle is option A. Very good all of you. G1S, G2, NM. ये जो है cell cycle का correct phase होता है, correct sequence होता है. इसमें तो कुछ ऐसा explain करने लायक है नहीं मुझे. अगर बात करूं मैं phases बताऊं, so G1 phase is the primary growth phase. G1 phase में cell अपने आप को grow करता है, proteins बनाता है, ठीक है, RNA transcription करता है ताकि वो बाद में फिर जाके DNA replication कर सके S phase में. देन G2 फेज में जो है सेल अपने आप को फर्दर ग्रो करता है, मेंटेन करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है ताकि वो फाइनली माइटोटिक फेज में एंटर कर जाए. माइटोटिक फेज इज द एक्चुअल सेल डिवीजन फेज जहां पे दो सेल बनते हैं. सो ये आपके चार सेल के चार फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, G1, S, G2 एंड M. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहेगा अगला सवाल. चलो, सेल ऑर्गेनेल विच हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? ठीक है, सेल ऑर्गेनेल जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे जो है उन सब में क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन ही होता है, चाहे वो ग्लाइऑक्सिजोम हो, चाहे वो परऑक्सिजोम हो, चाहे लाइसोसोम, सो ऑल ऑफ दीज हैज सिंगल मेम्ब्रेन. आगे थोड़ी इजी से सवाल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, इसको सॉल्व करो. The active cyclin CDK complex regulates the cell cycle through.
ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा है इसका डी. चलो सो एक्टिव साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स रेगुलेट द सेल साइकिल थ्रू. तो साइक्लिन सीडीके होता क्या है, सीडीके क्या होता है, सीडीके इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. और काइनेज प्रोटीन का काम क्या होता है, काइनेज प्रोटीन का काम होता है टू ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना सबस्ट्रेट में. तो जब सीडीके मॉलिक्यूल रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, सो दिस इनएक्टिव एंजाइम इसको एक्टिवेट करने के लिए साइक्लिन आके इससे बाइंड करता है और इसको एक्टिवेट कर देता है, और अब ये काइनेज जाके सबस्ट्रेट को फॉस्फोडाइलेट करता है. तो इट इज सिंपली साइक्लिन सीडीके इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो कि क्या करेगा, सबस्ट्रेट को, प्रोटीन्स को फॉस्फोडाइलेट करेगा. सो द एक्टिव साइक्लिन सीडीके रेगुलेट द सेल साइकिल थ्रू फॉस्फोडाइलेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. स्पेसिफिक प्रोटीन को जाके फॉस्फोडाइलेट करता है ये. ठीक है, चलिए काइनेज का काम ही होता है फॉस्फोडाइलेशन करना. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is true? C, D, बहुत सारे options है यहाँ पे. Yes, right answer. Right answer select करो जल्दी से. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू हियर. इन यूकेरियोट्स ओनली वन साइक्लिन एंड मेनी सीडीकेज आर देयर. क्या ये सही है, क्या यूकेरियोट में सिर्फ एक साइक्लिन होता है? नहीं, यूकेरियोट्स में चार अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं, साइक्लिन डी, ई, ए और ई, चार अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं, एक साइक्लिन बिल्कुल भी नहीं होता है. नेक्स्ट इज सीडीके इज नॉट नेसेसरी टू रेगुलेट द सेल साइकिल चेक पॉइंट. क्या सीडीके नेसेसरी नहीं होता है सेल साइकिल चेक पॉइंट चेक करने के लिए? सीडीके नेसेसरी होता है, तो ये भी गलत हो गया. सीडीकेज आर इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर साइक्लिन. क्या ये सही है? यस, ये सही है. सीडीकेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीडीकेज इनएक्टिव होते हैं, और जब इन सीडीकेज से आके साइक्लिन बाइंड कर जाता है, साइक्लिन इज अ प्रोटीन, तो ये सीडीके एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है. सो साइक्लिन जो है वो सीडीके की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सीडीकेज आर इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर साइक्लिन. यस, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्या है, साइक्लिन पोजेस कैटालिटिक एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी. साइक्लिन जो है उसकी खुद की कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है. साइक्लिन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन, साइक्लिन इज नॉट अ कैटालिटिक प्रोटीन. ठीक है, सीडीके साइक्लिन में सीडीके जो है वो कैटालिटिक प्रोटीन है, और साइक्लिन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि सीडीके की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट्स द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर सी. यस, आया समझ में एवरीवन?
राइट डाउन अ येस और नो, अगर समझ में आया है तो फिर आगे बढ़ेंगे. बताओ येस और नो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइक्लिन प्रोड्यूस्ड इन द सेल साइकिल इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल. फर्स्ट साइक्लिन कौन सा बनता है? The first cyclin produced in response to S signal. ठीक है, पहला cyclin कौन सा produce होता है? Cyclin D. Yes, right. So first cyclin जो है, देखो चार cyclins होते हैं. पहला होता है आपका G1 phase. G1 phase को complete कराने के लिए, G1 phase को कराने के लिए होता है D cyclin. जब G1 phase complete होने लगता है, so G1 से S में transition के लिए, ठीक है, G1 phase complete हो चुका है, S start होना हो, उसके लिए चाहिए E cyclin. ठीक है, इसके बाद एस फेज स्टार्ट हो गया. अब एस फेज को कंप्लीट कराने के लिए एक साइक्लिन रिक्वायर होता है, वो होता है ए साइक्लिन. एस फेज साइक्लिन होता है ए साइक्लिन. इसके बाद एस फेज हो गया, एस फेज के बाद जी टू फेज अपने आप हो जाता है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ साइक्लिन. यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी चेक पॉइंट नहीं होता है. इसके बाद एम फेज को कंप्लीट करने के लिए एक साइक्लिन होता है, दैट इज बी साइक्लिन. ठीक है, तो ये चार साइक्लिन होते हैं चार अलग अलग चेक पॉइंट्स को रेगुलेट करने के लिए. ठीक है, चार अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पे सेल साइकिल अरेस्ट हो सकता है, बट अगर ये सारे साइक्लिन हो तो वो सेल साइकिल को आगे बढ़ा देता है. ठीक है, तो ये हो गया चार साइक्लिन और उसके रेगुलेशन. ठीक है, साइक्लिन डी ई ए बी. ठीक है, डी ई ए बी, और वो कौन कौन से चार स्टेप्स को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, याद रखना इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में, कौन सा चेक पॉइंट है, कौन सा फेज है और कौन सा साइक्लिन है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे. ठीक है, यस, द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द हेटरोक्रोमेटिन रीजन ऑफ द सेल इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग. डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ हेटरोक्रोमेटिन रीजन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग विच फेज?
सो डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ हेटरोक्रोमेटिन रीजन विल गेट कंप्लीटेड इन, ठीक है, देखो हेटरोक्रोमेटिन रीजन यूक्रोमेटिन रीजन होता क्या है. सो अगर ये डीएनए है आपका, सो कुछ रीजन जो होता है जहाँ पे जीन्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही डिस्टेंटली प्लेस्ड होते हैं, कहीं पे जो डीएनए होता है वो बहुत ज्यादा पास पास में वेरी डेंस होता है, ठीक है. तो ये होता है आपका यूक्रोमेटिन रीजन, ये होता है आपका हेटरोक्रोमेटिन रीजन. सो यूक्रोमेटिन के रीजन का रेप्लिकेशन जो है वो तो एस फेज में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हेटरोक्रोमेटिन रीजन है बिकॉज इट इज हाईली डेंस, इट इज हाईली कॉम्पैक्ट, तो ये सारे रीजन का रेप्लिकेशन कंप्लीट होते होते आपका जी टू फेज आ जाता है, ठीक है. सो हेटरोक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट कब होता है, स्टार्ट तो जीवन फेज में हो जाता है बट कंप्लीट जो है बच्चे वो आपका कब होता है, इन द जी टू फेज, ठीक है. कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ हेटरोक्रोमेटिन रीजन विल हैपन इन द जी टू फेज, स्टार्ट एस फेज में होगा बट कंप्लीट होते होते इट विल गो इन द एस फेज, ठीक है. ठीक है, एग्री कर रहे हैं, क्लियर है सबको. जी टू फेज में हेटरोक्रोमेटिन रीजन का रेप्लिकेशन कंप्लीट होने में जी टू फेज लग जाता है, बट यूक्रोमेटिन जो है एस फेज में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हेटरोक्रोमेटिन है इसलिए इसको जी टू फेज में कंप्लीट होता है ये, ठीक है, बिकॉज इट इज हाईली डेंस, हाईली कॉम्पैक्ट, ये हाईली डेंस हाईली कॉम्पैक्ट होता है इसलिए. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले एवरीवन. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सबके लिए. मियोटिक बाइवेलेंट, ठीक है, मियोटिक बाइवेलेंट, सो वो स्टेप होता है जहां पे क्या होता है आपका क्रॉसिंग ओवर होता है. सो एट दैट टाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज बाइवेलेंट. सो इस बाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, चलिए मियोटिक बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ ये वाला जो स्टेज होता है जो कि मैंने आपको बताया था, जहां पे ये एक होमोलोगस पेयर, ये दूसरा होमोलोगस पेयर, ठीक है, यहाँ पे नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये जो स्टेज होता है इसको ही बोलते हैं मियोटिक बाइवेलेंट. यही क्या होता है, यही बाइवेलेंट कहलाता है, या फिर हम इसी को टेट्राड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है. तो इस स्टेट में कितने टोटल नंबर ऑफ
क्रोमेटिड्स पार्टिसिपेट करते हैं, देखो यहाँ पे कितने कंसिस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं पूछ रहा है ना, कितने इस बाइवेलेंट में टोटल होते हैं. सो 1, 2, 3, 4, फोर क्रोमेटिड्स आर देयर एंड टू सेंट्रोमियर्स आर देयर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर क्रोमेटिड्स सॉरी एंड टू सेंट्रोमियर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पार्टिसिपेट था. अगर पूछे कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो बाइवेलेंट बनता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सेंट्रोमियर्स या फिर क्रोमेटिड्स होते हैं, सो एग्जिस्ट करने का क्वेश्चन जो है उसमें फोर होगा, लेकिन कितने पार्टिसिपेट करते हैं उसमें टू होगा. तो यहाँ पे बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ बोल रहा है, सो इट विल हैव फोर क्रोमेटिड्स विथ टू सेंट्रोमियर. ठीक है, तो ऑप्शन फोर सेकेंड इज करेक्ट हियर, फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमियर. तो सबका जवाब है यस बी राइट, श्रेया एंड पायल. चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए ये रहा अगला सवाल. चलो सॉल्व करें इसको. अमंग द फॉलोइंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस वन, मियोसिस वन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे कौन सा है. ठीक है, मियोसिस वन में होता क्या है, मियोसिस वन में नेक्स्ट यूनिट फाइव क्या है, यूनिट फाइव क्या जेनेटिक्स है. कौन सा यूनिट है बच्चे, जेनेटिक्स है क्या, यूनिट 5, आई एम नॉट श्योर, यूनिट 5 क्या जेनेटिक्स है या फिर फिजियोलॉजी है, कौन सा यूनिट है आपका, यूनिट 5 एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी, आई एम नॉट श्योर, टेल मी श्रेया यूनिट 5 कौन सा है. फंडामेंटल प्रोसेस अभी पूरा कराया नहीं है, फंडामेंटल प्रोसेस मैं आप लोगों को एक बार और कराऊंगी एंड के टाइम पे. वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी आई एम नॉट श्योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्चुअली मैं करा पाऊंगी या नहीं, मैं देखती हूँ, आई हैव टू लुक कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैं करा पाऊंगी या नहीं. जेनेटिक्स मैं सोच रही हूँ या फिर प्लांट फिजियोलॉजी कर लिया आप लोगों ने, प्लांट फिजियोलॉजी या फिर इकोलॉजी नेक्स्ट, ये सब मैं सोच रही हूँ कि कराऊं, इकोलॉजी इवोल्यूशन या फिर प्लांट फिजियोलॉजी जेनेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स. डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक्चुअली मैंने खुद ने नहीं किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मैंने सिर्फ ड्रोसोफिला पढ़ा था, फ्रेंकली स्पीकिंग ड्रोसोफिला पढ़ा था और उससे ही दो क्वेश्चन आ गए थे, मैंने वही दो क्वेश्चन करे थे डेवलपमेंटल के, तो डेवलपमेंटल थोड़े से मेरे लीग से बाहर है. जेनेटिक्स मैं करा सकती हूँ, फिर प्लांट फिजियोलॉजी इकोलॉजी इवोल्यूशन ये सब करेंगे हम अभी आने वाले मंथ्स में जितना हो पाएगा. उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम गेट की भी प्रिपरेशन थोड़ी सी, गेट के लिए एक अलग बैच मैं लॉन्च करूँ. गेट के लिए आप लोग सब प्रिपेयर कर रहे होगे,
कौन कौन कर रहा है गेट के लिए प्रिपेयर? एक सेपरेट बैच मैं सोच रही हूँ कि गेट के लिए हम करेंगे, है ना? श्रेया, आई विल ट्राई टू कवर डेवलपमेंटल बायोलॉजी. मैं ड्रोसोफिला वाला पार्ट जो है आपका कवर कराऊंगी. डेवलपमेंटल का ड्रोसोफिला वाला पार्ट मैंने पढ़ रखा है तो वो मुझे आता है, वो मैं आपका कवर करा दूंगी. मोस्टली उससे क्वेश्चन आता है और क्या इंपॉर्टेंट है. डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ड्रोसोफिला कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है वही. फिर सी अर्चिन वाला पार्ट भी आई कैन टीच सी अर्चिन. कुछ कुछ पार्ट जो है डेवलपमेंट के वो भी हम कवर करेंगे, है ना? डोंट वरी, आई विल ट्राई टू कवर. या तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि हम मैं सोच रही हूँ कि गेट के लिए एक सेपरेट हम लोग अपना गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लॉन्च करेंगे बैच, क्योंकि गेट का नोटिफिकेशन आ चुका है ना? अभी चल रहा है हमारा सितंबर, समझो आ गया. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हैं, है ना? तो इस 5 महीने में गेट को आप कैसे टारगेट कर सकते हो? जो बच्चे गेट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ एक स्पेशल बैच स्टार्ट करूँ. विल डिस्कस ऑन दैट एंड लेट मी प्लान समथिंग. कुछ प्लान करके फिर देखते हैं क्या होता है. चलो, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. अमोंग द फॉलोइंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोसिस वन. मियोसिस वन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? मियोसिस वन के टाइम पे क्या होता है? देखो, ये क्रोमोसोम होता है हमारे पास. हर क्रोमोसोम के डबलेट्स होते हैं, होमोलोगस पेयर होते हैं. तो मियोसिस वन में एक होमोलोगस पेयर एक क्रोमोसोम में चला जाता है, दूसरा दूसरे में चला जाता है. तो बेसिकली होमोलोगस पेयर का सेपरेशन होता है मियोसिस वन में, ठीक है? मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है. सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है मियोसिस टू में, ठीक है? और मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ठीक है? मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम का, मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है? ओके, गेट का प्रिपरेशन सबको करना है, श्योर. सो विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश बैच फॉर गेट. एक अलग सा फ्रेश बैच हम गेट के लिए सिर्फ स्टार्ट करेंगे, जिसमें गेट के यूनिट्स को हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है? सो यहां हो गया सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. चलो आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट. चलिए देखते हैं इसको. ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड है. ग्लाइकोलिपिड्स किधर लोकेटेड होते हैं? ग्लाइको, अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाइलेयर होता है, ये है इसका एक लेयर इनर, ये है इसका आउटर, ये है आउटर, ये है इनर. तो ग्लाइकोलिपिड्स यूजली आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के लिपिड के बाइलेयर से, लिपिड के लेयर से अटैच्ड होते हैं. सो ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड इन द आउटर लिफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनर लिफलेट में नहीं होते हैं ग्लाइकोलिपिड, हमेशा आउटर लिफलेट में होता है, ठीक है? अगर हम बात करें, देखो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है इनर और आउटर दोनों ही लिफलेट में होते हैं. प्रोटीन्स दोनों जगह होते हैं, बट हम
हमारे जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स क्या हुआ, ग्लाइकोलिपिड जो है वो ऑलिगोसेक्राइड का चेन हुआ, ऑलिगोसेक्राइड का चेन जो कि प्रोटीन से अटैच होगा, ये कहाँ पे होते हैं, ये यूजुअली आउटर सर्फेस पे होते हैं, इनर सर्फेस पे नहीं होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स आर लोकेटेड ऑन द आउटर लिपलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस बी इज राइट। इज दिस क्लियर, आया सब समझ में आया, ये कुछ डाउट है किसी को, सबने आंसर नहीं दिया, क्यों, क्या प्रॉब्लम था, इजी सा तो सवाल था बट आंसर सिर्फ एक ही आया, व्हाई, व्हाट हैपेंड, ठीक है, चलो कंफ्यूज्ड, ओके चलो ठीक है, आउटर लिफलेट में होता है ग्लाइकोलिपिड हमेशा स्ट्रक्चर्ड, ध्यान रखो ना, स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा ना सेल मेम्ब्रेन की, यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स लाइक लगे होते हैं इधर पे, तो ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो आपके ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ये किसके लिए, ये आउटर सरफेस पे इंटरैक्शन के लिए, अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चलिए सॉल्व कीजिए इसको, फ्लूडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस विद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी जो है किस पे बेस्ड होती है, यस राइट, ये जो है सही जवाब है, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, ठीक है, अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी बढ़ जाती है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी जो है वो उसके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के कंटेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो द फ्लूडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन होता है, यस सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है,
सेंट्रोसोम क्या करता है? बहुत ही इजी सवाल है, ये सबको आई थिंक पता होगा, बेसिक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल में तो होते नहीं है, बट एनिमल सेल में ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ए जो है सही जवाब है, राइट, ए इज राइट। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, चलो आगे देखिए। फॉस्फेटिडिल सेरीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फेटिडिल सेरीन कहां पे होता है? चलो, फॉस्फोटिडिल सेरीन रेसिड्यू इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट, यस राइट, फॉस्फोटिडिल सेरीन जो है वो इनर लिफलेट में होता है, यस ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? एपोप्टोसिस के टाइम पे, एपोप्टोसिस के टाइम पे देखा होगा क्या होता है। एपोप्टोसिस के टाइम पे अगर नॉर्मल सेल है तो फॉस्फोटिडिल सेरीन इनर लिफलेट में होगा, ये अगर आउटर है ये इनर है, बट अगर ये सेल क्या कर रहा है, एपोप्टोसिस कर रहा है, सो ये वाला जो फॉस्फोटिडल सेरीन है वो आउटर लिफलेट में जंप करके चला जाता है, ठीक है। और इस फॉस्फोटिडल सेरीन को आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग अ डाई दैट इज एनेक्सिन 5। एनेक्सिन 5 जो है वो फॉस्फोटिडल सेरीन से बाइंड करता है। तो आपको अगर चेक करना है कि सेल एपोप्टोसिस कर रहा है कि नहीं, तो कैसे कर सकते हो, आप एनेक्सिन 5 डाई डालो। अगर एनेक्सिन 5 डाई जाके बाइंड कर लिया, मतलब कि सेल जो है वहां पे फॉस्फोटिडल सेरीन उसके आउटर लिफलेट में है, दैट मीन्स सेल इज अंडर गोइंग एपोप्टोसिस। तो अगर आपको देखना हो कि एपोप्टोसिस हो रहा है कि नहीं, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि फॉस्फोटिडल सेरीन का एग्जिस्टेंस कहाँ है। अगर इनर लिफलेट में है तो वो एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है, अगर आउटर लिफलेट में है तो एपोप्टोसिस हो रहा है। और यहाँ पे बात करें एक नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो फॉस्फोटिडल सेरीन नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनर लिफलेट में होता है, एपोप्टोसिस के टाइम पे आउटर लिफलेट में जंप कर जाता है, ठीक है, यस श्रेष्ठा, इनर लिफलेट इज राइट, एपोप्टोसिस के टाइम पे वो आउटर लिफलेट में जंप कर जाता है। अभी के लिए इसका आंसर क्या है, 1। चलो और क्वेश्चंस करने हैं या एंड करें अभी, और करने हैं, सो वी कैन कंटिन्यू और शुड बी एंड, यस। चलो आगे देख लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं फिर एंड करेंगे।
चलो इजी से क्वेश्चंस है, हम ज्यादा टफ नहीं है सेल बायोलॉजी के, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस है। चलो सॉल्व करो इसको, 130 तक करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है 130 तक कंटिन्यू करते हैं 130 तक। चलिए लेट्स सी दिस। चलो थ्री आंसर, यस राइट। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम जो होता है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट दीज एंजाइम्स आर एक्टिव ओनली इन एसिडिक पीएच, ठीक है। सो लाइसोजाइम का एंजाइम खुद का क्या होता है, एसिडिक नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए वो एंजाइम लाइसोजाइम के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो फैगोसोम से फ्यूज करते हैं जिसमें कि एसिडिक पीएच होता है, तो फैगोसोम से फ्यूज करते ही उसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और वो फैगोसोम को डिग्रेड कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आपका एक फैगोसोम होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, पैथोजन होता है। ये पैथोजन है जो कि किसी भी फैगोसाइटिक सेल के अंदर इनगल्फ हो गया है, ये फ्यूज करता है जब लाइसोसोम से। सो लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि इसके अंदर एसिडिक पीएच होता है 3 अप्रोक्सीमेटली, और ये एंजाइम्स एक्टिव होके इस पैथोजन को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर जो कि फैगोसोम से फ्यूज करके उसको डाइजेस्ट कर देगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं तो लाइसोजाइम खुद कैसे जिंदा रहता है, खुद वो जिंदा रहता है बिकॉज लाइसोजाइम के एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए और लाइसोसोम के अंदर न्यूट्रल पीएच होता है, तो न्यूट्रल पीएच के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही वो फैगोसोम से फ्यूज करता है जहां पे एसिडिक पीएच होता है, दैट विल इंड्यूस इट्स एक्टिविटी, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड एक्टिविटी टू द एंजाइम्स। सो यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको स्किप करती हूं मैं बिकॉज हम लैकोपेरोन वाला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इसको करते आ जाओ,
कंफ्यूज बिटवीन वन एंड सी. आ जाओ देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रमोटर ऑफ अ जीन. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज लोकेटेड इन द अपस्ट्रीम. ऑलवेज देखो, जहां पे भी ऐसे ऑलवेज के स्टेटमेंट्स आ जाए ना, उन पे थोड़ा सा डाउट कर लेना. ठीक है, ऑलवेज नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता है. तो प्रमोटर्स के बारे में देखो, पॉलीमरेज आरएनए 1, 2, 3 होते हैं. 3 के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है तो 3 का जो प्रमोटर होता है वो इधर डाउनस्ट्रीम रीजन में होता है. 1 और 2 का अपस्ट्रीम में होता है, 1 और 2 के प्रमोटर अपस्ट्रीम में होते हैं, लेकिन 3 के लिए एक एक्सेप्शन होता है, उसके लिए डाउनस्ट्रीम में प्रमोटर्स होते हैं. ये जो इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड रीजन है, यहाँ पे उसके प्रमोटर्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 का. सो इट इज ऑलवेज इन द अपस्ट्रीम रीजन. नो, प्रमोटर्स आर रिकॉग्नाइज ड्यू टू देयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. नो, प्रमोटर्स अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिकॉग्नाइज होते हैं. नहीं, प्रमोटर अपने कंजर्व्ड सीक्वेंस से रिकॉग्नाइज होते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्रमोटर एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज़. यस, दिस इज ट्रू. आरएनए पॉलीमरेज़ 1 डिफरेंट प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज़ 2 डिफरेंट को करता है, और आरएनए पॉलीमरेज़ 3 का अपना अलग प्रमोटर होता है. तो हर एक आरएनए पॉलीमरेज़ का आरएनए पॉलीमरेज़ आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक रिसेप्टर. हर एक आरएनए पॉलीमरेज़ के लिए अपना खुद का स्पेसिफिक प्रमोटर होता है. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 का तीनों का अलग अलग प्रमोटर रीजन होता है. सो स्टेटमेंट सी जो है यहाँ पे सही है. डी क्या है, इट इज लोकेटेड इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट. यहाँ पे देखो, लोकेटेड इन द डाउनस्ट्रीम, यहाँ तक तो सही है, डाउनस्ट्रीम में होता है, ऑलवेज भी नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट के नहीं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के. ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट अगर होता है तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी में जिनको कंफ्यूजन था, आंसर सी होगा. इट इज ऑलवेज लोकेटेड है ना, इसलिए ये गलत है. हमेशा ही अपस्ट्रीम में नहीं होता है, डाउनस्ट्रीम में भी कभी कभी होता है. फॉर आरएनए पॉलीमरेज 3 एग्जांपल. यस, अभी क्लियर हो गया कंफ्यूजन सबका. आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो प्रमोटर होता है वो यूजुअली डाउनस्ट्रीम रीजन में होता है, 1 और 2 का अपस्ट्रीम में होता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 का प्रमोटर डाउनस्ट्रीम रीजन में होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है. और डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, नॉट ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट, इसलिए ये भी गलत है. ओनली स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट. क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? यस, 3 जो है सही जवाब है. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा अगला सवाल, चलो इसको सॉल्व करो. लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या आंसर आया आप सबका. बी, यस बी. इन यूकेरियोट्स जो डाटा बॉक्स होता है, प्रोकैरियोट्स में उसका सिमिलर रीजन होता है प्रिबनोबॉक्स. राइट, वेरी गुड. सो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा तो है नहीं. चलिए आ जाइए, अगला सवाल ये रहा.
यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है हमारा, फंडामेंटल प्रोसेस। सॉल्व करिए इसको। इन प्रोकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यस, सॉल्व करें। ठीक है, कौन सा फ्रैगमेंट जो है वो इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे? इन प्रोकैरियोट्स विच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिलीज्ड आफ्टर द इनिशिएशन। ठीक है, सिर्फ इनिशिएशन के लिए कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो देखो आरएनए पॉलीमरेज के टाइम पे क्या होता है, ये मान लो आपका आरएनए प्रमोटर है। ठीक है, प्रमोटर को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है एक सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर इसको रिकॉग्नाइज करता है, यहां आके बाइंड करता है। इसके बाद पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, प्रमोटर रिकॉग्नाइज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके फिक्स हो गया। इसके बाद इनिशिएशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, आरएनए बनने लगेगा। फिर क्या होगा, ये जो इनिशिएशन फैक्टर है सिग्मा फैक्टर, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो कौन सा फैक्टर इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर इनिशिएशन के बाद रिलीज हो जाता है? विच फैक्टर इज रिलीज्ड? रिलीज्ड और सी विच फैक्टर इज रिलीज्ड और देखो दोनों सेम ही है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन? इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर विच फैक्टर इज रिलीज्ड आफ्टर इनिशिएशन? बोथ आर सेम, बोथ आर सिग्मा फैक्टर। यस, दोनों ही सिग्मा फैक्टर है। इनिशिएशन के लिए भी सिग्मा फैक्टर जरूरी होता है ना? ठीक है, अगर जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं होगा इनिशिएट नहीं होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, देखो तीन चीजें हो सकती हैं कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन, ठीक है, विच इज रिलीज्ड आफ्टर इनिशिएशन, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर। तीनों ही आपका सिग्मा फैक्टर ही होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर, एंड रिस्पॉन्सिबल और रिलीज आफ्टर इनिशिएशन, तीनों के लिए सिग्मा फैक्टर ही आंसर होगा। तीनों ही क्वेश्चन के लिए सिग्मा फैक्टर ही आंसर होगा। ठीक है, यस, इन दिस या रिलीज मेंशन है, रिलीज हो या फिर रिस्पॉन्सिबल हो, बोथ इज सेम ओनली, है ना, बोथ इज सेम ओनली। सो इट इज सिग्मा फैक्टर, या responsible or released. So it is released after initiation या फिर responsible for initiation, दोनों ही same है। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, responsible for initiation अगर आप बोलो या फिर released after initiation बोलो, दोनों के लिए sigma factor ही है। दोनों काम जो है वो आपका sigma factor ही करता है। ठीक है, चलो सो अभी एंड करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को, यहीं पे एंड करते हैं हम। ठीक है, और भी क्वेश्चन है वो कभी और ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के सारे क्वेश्चन सबको समझ में आए, ऑल ऑफ यू? अगर आज की किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कुछ डाउट है सो लेट मी नो। जब भी आप रिकॉर्डेड क्लास देखो बाद में, तो अपने
डाउट को कमेंट में डाल देना, ठीक है? और लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना मुझे कमेंट में, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट नहीं करना तो लाइक तो जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से, और अगर डाउट हो तो डाउट को कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, विल मीट अगेन, सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो बच्चा अभी देख रहा है वो भी लाइक कर दो, जो बाद में देखेगा रिकॉर्डेड क्लास वो भी लाइक कर देना, बिना लाइक के नहीं जाना है, और मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, कुछ डाउट हो तो भी बताना, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो फिर यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को, और किसी का कुछ सवाल है, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, Anything? Anybody want to ask? Next session कब है? Next session हम next session हमारा अभी एक है 5 बजे आज, where we are going to study microbial metabolism. ठीक है? Microbial metabolism हम पढ़ने वाले हैं next. 5 बजे की session है. फिर 8 बजे एक session है हमारा 8 PM पे. जहाँ पे इम्यूनोलॉजी से अगर आपको कुछ भी डाउट है इम्यूनोलॉजी चैप्टर में वो आप पूछ सकते हो. इम्यूनोलॉजी चैप्टर का डाउट क्लियरिंग सेशन है 8 बजे. किसी को इम्यूनोलॉजी चैप्टर में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो उस टाइम मुझे बता देना. डाउट क्लियरिंग सेशन कितने बजे है? 8 बजे. और माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म हम 4:35 के बीच में करेंगे, ठीक है? एंड विल बी द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन मैंने बताया आज है 5 बजे, और है एक सेशन 10 बजे. ठीक है, चल दैट्स ऑल. Unit 3 एंड Unit 4 के क्वेश्चंस आई विल डिसाइड डेट एंड टाइम एंड विल लेट यू नो. श्रेया, आई विल लेट यू नो.